हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के बारे में। अगर आप बिहार से हैं, आप अपने परिवार के किसी का या फिर किसी अगर साइबर कैफे वाले हैं और किसी कस्टमर का पेंशन का अप्लाई करते हैं तो उसका कैसे हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, इसका वीडियो इसका जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों, अगर वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन करना हो तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको उम्र की बात होती है, तो उम्र न्यूनतम जो है कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड और वोटर आई डी कार्ड से आपका उम्र 60 वर्ष है तो ही आप वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो भी मैं दिखा देता हूँ, कौन कौन से दस्तावेज होंगे वो सारा जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सर दोस्तों, आपको पहले एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, एक पासपोर्ट फोटो की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद एक बैंक पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बाद आपको एक वोटर आई डी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी कस्टमर का, उसके बाद आपको एक सहमति पत्र होता है 3 पेज का, जिसका जो है आपको PDF इसका डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। वो PDF मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 3 पेज का। एक पहला पेज जिसमें ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, दूसरा एक सहमति पत्र होता है और तीसरा एक बैंक सहमति पत्र होता है। 3 पेज का ये फॉर्म आता है। इस पेज पर जो है तीसरा ये जो पेज देख रहे हैं इस पर बैंक के द्वारा जो है साइन मोहर कराया जाता है, इसके बाद जो ही आपका ऑनलाइन किया जाएगा। इस तीनों फाइल पेज को जो है PDF में मर्ज करना है। तीनों फाइल को PDF मर्ज करने के बाद ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, इस पर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सारा जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपका PDF में वो 200 KB के अंदर में होना चाहिए। फोटो जो है 30 से 50 KB के अंदर में होना चाहिए। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा तो इसका डाउनलोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब ऑनलाइन कैसे करते हैं वो सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर इस पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं रजिस्टर फॉर MVPY, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपसे जिला ब्लॉक ये सारा डिटेल आपको मांगा जाता है। इस सारा डिटेल को आपको फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं बारी बारी से और आपको दिखाते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है, तो चलिए हम अपना जिला सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपका जो ब्लॉक पड़ता है उस ब्लॉक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक रहता है, ये इसको कुछ करना नहीं। नीचे आपको EPIC नंबर यानी मतदाता संख्या यानी आपका वोटर आई डी कार्ड का जो नंबर है वो आपको डाल देना है। तो चलिए मैं वोटर आई डी कार्ड का नंबर भी जो है देख कर डाल देता हूँ। जैसे जैसे मैं करता हूँ सारा वाई स्टेप बाई स्टेप आपको करते चला जाना है। चलिए वोटर आईडी नंबर डालने के बाद यहाँ वोटर आईडी कार्ड पे जो भी आपका नाम होगा यानी कस्टमर का जो भी नाम होगा जिसका भर रहे हैं उसका जो नाम होगा उसको पूरा डिटेल से आपको सेम टू सेम वैसा ही भर देना है। तो चलिए मैं वो भी देख कर भर लेता हूँ। इसके बाद जो है आपका जो है यानी कस्टमर का जो है यहाँ पे आधार नंबर भरना है, तो चलिए आधार नंबर भी हम भर लेते हैं। सारा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप वीडियो को स्किप मत करेंगे नहीं तो आपको ये समझ नहीं पाएंगे। वीडियो स्किप कर देंगे तो ये भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए आधार नंबर भरने के बाद आधार पे जो नाम की स्पेलिंग है सेम आपको नाम की स्पेलिंग डाल देना है। नाम की स्पेलिंग डालने के बाद भी मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद क्या करना है आपको, आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। अगर वो डेट ऑफ बर्थ या आधार से कुछ भी मिसमैच डाल देते हैं तो इनका वेरिफिकेशन नहीं होगा और रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए आधार से सारा डिटेल मैंने भर दिया। इसके बाद यहाँ पे वैलिडेट आधार का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे वैलिडेट आधार पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे लिख दिया आधार भी सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी आधार में जो डिटेल है वो सारा सही है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक फॉर्म खुल जाता है, इस सारे डिटेल को आपको भरना है। यहाँ पर आपको नाम दिया गया है, फर्स्ट में यहाँ आपको दिया गया है फादर नेम डालना है, तो चलिए हम यहाँ पर फादर नेम भी हम देख के डाल लेते हैं।
सारा प्रोसेस जो है आपको सही से डॉक्यूमेंट से देख के ही डालना है। एक भी प्रोसेस गलत करते हैं, एक भी स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो आपका रिजेक्ट होने का चांस है। यहाँ पे मदर्स नेम है, मदर्स नेम न भी भरेंगे तो चलेगा, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक जेंडर दी, जहाँ जहाँ आपको यहाँ स्टार के निशान लगे हुए हैं उस सारे कॉलम को जो है आपको भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे जेंडर है, हमने जेंडर सेलेक्ट कर दिया। कैटेगरी जो है इनका कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर दिया गया है उस मोबाइल पे जो है आपका मैसेज चला जाएगा। चलिए हम मोबाइल नंबर भी भर देते हैं। मोबाइल नंबर भरने के बाद क्या करना है वो भी मैं आगे बताते जा रहा हूँ। फिर से आपको सही सारा डिटेल आपको डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको एरिया, किस एरिया में आते हैं, ग्रामीण है या शहरी है। अगर ग्रामीण है तो रूरल रखेंगे, शहरी है तो अर्बन रखेंगे। अगर जो पंचायत पड़ता है वो पंचायत आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो चलिए हम पंचायत भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो गांव पड़ता है तो गांव वाला ऑप्शन नहीं खुलेगा, इसको छोड़ देना। अगर ग्रामीण से रहेंगे तो ये ऑप्शन काम करेगा, अगर शहरी से ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। इसके बाद कौन सा वार्ड पड़ता है, अगर शहरी से है तो आपको उस वार्ड को जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो चलिए हम वार्ड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस डाल देना है, तो चलिए मैं फुल एड्रेस डाल देता हूँ। ध्यान से दोस्तों आपको जो है सारा डिटेल सही से आपको भर के डालना है, देख के ही डालना है, तो ही आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट किया जाएगा और तुरंत ही आपके अकाउंट में जो है पैसा भेजा जाएगा। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पर आपको एरिया का पिन कोड है, यहाँ पिन कोड भी आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड दिख रहा है, आधार पे जो नाम है सो सारा दिख रहा है। थोड़ा से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम पूछ रहा है, तो आपके जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बैंक का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ब्रांच कहाँ का है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जहाँ का आपका ब्रांच पड़ता है, बैंक पड़ता है, जिस भी एरिया में है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम अपना एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जैसे आप एरिया सिलेक्ट करेंगे ब्रांच का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपका आईएफएससी कोड चलाएगा और यहाँ पे अकाउंट लेंथ में जो है खाता नंबर की लंबाई कितनी है, वो कितने डिजिट की है, वो आपको यहाँ पे शो कर जाती है। इसके बाद जो है आपको नीचे में जो है खाता नंबर को डाल देना है, तो चलिए खाता नंबर मैं डाल देता हूँ। खाता नंबर डालने के बाद अकाउंट में जो भी आपका नाम होगा वही अगर पासबुक से देखकर आपको डाल देना है, तो चलिए वो भी मैं डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे जैसे मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पहला है आधार दस्तावेज, जिसमें आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी जो है लगानी है, वो भी पीडीएफ में लगानी है। तो चलिए मैं आधार कार्ड को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा जो है मैं फोल्डर, जिस फोल्डर में उस फोल्डर में आता हूँ और आधार कार्ड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ओपन कर देता हूँ। आधार कार्ड लगाने के बाद यहाँ पे बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगानी है, तो बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी मैं यहाँ से लगा देता हूँ। बैंक पासबुक लगाने के बाद यहाँ पे आधार सहमति पत्र, जो मैंने 3 पेज का फॉर्म दिखाया था, तीनों पेज को आपको क्या करना है, एक में मर्ज कर लेना है। कैसे मर्ज कर किया जाता है उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ से मैं आधार डॉक्यूमेंट को क्या करता हूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दिया गया है जो भी फाइल होगा 200 KB से लेकर 500 KB के अंदर में होना चाहिए, तो चलिए यहाँ 200 KB में मैं फाइल रख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फोटो का साइज जो है 30 से 50 KB का है, तो फोटो का साइज भी, फोटो भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ फोटो आपको सिलेक्ट करना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको वोटर आईडी कार्ड मांगा जा रहा है, यहाँ से आप वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। वोटर आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सारा डिटेल आपको सही से मिला लेना है। मिलाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एग्री पे क्लिक कर लेना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए कहा जाए, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद जो है आपका इस तरह से पेज आ जाएगा, सारा डिटेल आपका इसमें खुल जाता है। और यहाँ पे एक एडिट का एप्लीकेशन और फाइनल, अगर आपको कुछ एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, या फिर फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको ओके कर देना है।
जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं आपका ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद जो आपको पेज खुलता है उस सारा जानकारी मैं बताता हूँ, लेकिन आपको वीडियो को स्किप मत करना। आप देखिए ये हमारा फाइनल सबमिट हो गया और यहाँ पे नीचे आपको डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका जो रिसिप्ट इस तरह से PDF में यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरह का पेज आपको खुलेगा, प्रीव्यू दिखेगा, इसमें सारा रेफरेंस नंबर दिखेगा, सारा डिटेल मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। देखिए इस तरह से जो है हमारा ये रिसीविंग खुल जाएगा, यहाँ पर अपन लाभार्थी संख्या दिया रहेगा या नाम वगैरह डिटेल सब सारा यहाँ पे दिया गया। आप इसको क्या करना है, आपको इसको प्रिंट करके रख लेना है। तो इस तरह से दोस्तों जो है आप वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।